करना पड़ा पता है क्या मुझे? क्या करना पड़ा था मैं? क्या 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 करना पड़ा? अरे पानी भरा उतरे। So good morning people, this is NM Blogs India signing in from Koparkherne and today we are heading towards or say weekend ride or as usual ride. So इस बार हम जा रहे हैं लोनावला राइड के लिए. कल ये प्लान हुआ एंड दिस प्लान वॉज डिसाइडेड बाय मिस्टर अमय करपे. और अभी फिलहाल एक मीटिंग पॉइंट रखा है जो वाशी में है, वाशी सेक्टर 4 या 5 किलोमीटर रहेगा शायद से. एंड अभी हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ हम अमय और प्रतीक चौहान से मिल लेंगे. तो अभी निकल गए और 6 बज चुके हैं, 6 बजे हम वाशी पे जाने के बाद ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ. तो अभी मैं बहुत लेट भी हो चुका हूँ. तो बाय बाय. सो गाइस फाइनली हम वाशी पहुँच चुके हैं. हमारे साथ है पीएससी, मेरा पिजन रहेगा. और अभी यहाँ से हम अमे की घर की तरफ निकल रहे हैं. एक मिनट. सो गाइज अभी हम अमे के घर के बाहर है और हमारे साथ है प्रतीक एज अ पिलियन. एंड जैसे ही हम अमे के घर पे आ गए घर के बाहर आ गए और बाद में उसका कॉल है, बोलता है भाई साहब तो ना आए नहीं. ये आ गए हमारे भाई साहब लेट लतीफ. देख गिर गया, देख सब गिर गया. और कितना लेट करवाएगा, कितना लेट करवाएगा भाई? ऑलरेडी 30 मिनट. ये वो डाकू यही. पानी भरना पड़ा पता है क्या मुझे? क्या करना पड़ा था मैं? क्या 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 करना पड़ा? अरे पानी भरा उधर है. सो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं. सो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं. टाइम हो गया 7:45 और ये भाई साहब ने लेट कर दिया है. निकलते हैं. तो गाइस अभी हम पनवेल नहीं एक्चुअली मांडे तलेगांव से जस्ट पहले टोल नाका लगता है और ये पनवेल और लोनावला को कनेक्ट करता है. तो गाइस मैं अभी आपको इसकी ट्रिक बता दूँ. अगर आप यहाँ पे 4 व्हीलर से आते हो बिल्कुल टोल नाका जस्ट पास करने दो मेरे को. हाँ तो गाइज अगर आप यहाँ से आते हो अपने 4 व्हीलर में तो आप अपने पैसे बचा सकते हो. मैं बताता हूँ वो टेक्निक. जस्ट अगर आप टोल नाके पे रुके तो जस्ट एक ये कर देना. हमें रुका क्या? नहीं. तो एक जस्ट गांव का नाम बता देना जिसका नाम है मांडे तळेगांव. वापस एक बार बोलता हूँ, मांडे तळेगांव. अगर आप बोलते हो वहाँ पे मांडे तळेगांव से करके हम लोग हैं या फिर वहाँ के लोकल से तो आपको आराम से छोड़ देंगे. क्योंकि एक बार इधर इंसिडेंट हो चुका है, कुछ तो शिवसेना वालों ने तो ये टोल नाका पूरा तोड़ दिया था. तो अगर आप इतना बोलते हैं कि हम लोग मांडे तळेगांव से तो वो लोग आराम से आपको छोड़ देंगे और आपके 35 रुपीज़ बच जाएंगे. बस इतना ही बोलता हूँ. और अभी यहाँ से हम लोग सीधा अबेंडन प्लेन के उधर पहुँच जाएंगे. अबेंडन प्लेन के वहाँ पे जा रहे हैं.
तो वहाँ जाके कुछ फोटोशूट होएगा और ब्लॉगिंग चालू करेंगे। सो टिल देन बाय। एनएम ब्लॉग्स इंडिया। और अभी हम उस अबेंडेंट प्लेन की मतलब वो जो पड़ा हुआ प्लेन है वो वहाँ पर आ चुके हैं। एंड आप देख सकते हैं मेरे पीछे, सो देख सकते हो। और इस प्लेस को निशीलैंड के नाम से जाना जाता है, निशीलैंड रिसोर्ट करके। इस पे ये प्लेस ज़्यादातर बंद रहता है, बट बाइकर्स के लिए अलाउड नहीं है। वहाँ से हम लोग ये जो कुछ भी लगाया था बैरिकेड वो निकाल के अंदर आए। एंड ये जैसे कि आप मेरे पीछे जो प्लेन देख सकते हो, ये प्लेन कुछ तो 10 या 15 साल पहले या उससे भी ज़्यादा यहाँ पे क्रैश हुआ था। और फिर यहाँ पे जो इनके जो मैनेजर या कोई जो ओनर है, देख सकते हो मेरे पीछे जो रिसोर्ट के जो ओनर है ना, उन लोगों ने ये प्लेन ख़रीदा था। सो और फिर बाद में इस प्लेस को निशीलैंड के नाम से जाना जाता है। और ये प्लेस मांडे तड़ेगांव के पास आ जाए कुछ तो। और देख सकते हो हमें हमारे फोटोग्राफर अभी फ़ोटो निकाल रहे हैं, ऐसी बना रहे। और जैसे कि मैं आपको वापस एक बार बोलता हूँ, और जहाँ हम टोल नाके के वहाँ पे रुके थे, तो टोल नाके के वहाँ पे अगर आप मांडे तड़ेगांव बोलते हो लोकल के एज ए लोकल, तो आपके 35 रुपीज़ बच सकते हैं। एंड बस बाकी सब अभी इधर से निकलते लोनावला के लिए थोड़ी देर में, मतलब टाइगर पॉइंट पे निकलते। एंड सो वहाँ पे हम हमारा व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियोस देखे ही होंगे। तो क्या हुआ उसको?
ये सब फोटोग्राफ्स और वीडियोस मेरे और मतलब वीडियोस भी अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल दूंगा, तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पेज, लिंक विल बी हियर, और मैं अपना इंस्टा आई डी यहाँ पे दिखा दूंगा, NM Vlogs India करके। और यहाँ पे हमारे बंधु है PSC करके, अपकमिंग यूट्यूबर है, डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल। और हमारे साथ है अमय करपे, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे चैनल का लिंक। हाँ, तो इफ यू एंजॉयड दिस व्लॉग डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, टिल देन बाय।